वर्कआउट करने के बाद मोस्टली लोगों की बॉडी में कहीं ना कहीं दर्द जरूर होता है, लेकिन जो थाइस का पेन होता है वो मोस्टली सभी लोगों को होता है। उसका कारण होता है कि जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली अगर हम कार्डियो एक्सरसाइजेस करते हैं, रनिंग करते हैं, या कोई भी जंपिंग वाली एक्सरसाइज करते हैं, या रस्सी कूदते हैं, तो स्टार्टिंग में जब आप ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो 100% आपके थाइस में आपको दर्द जरूर होता है। इसका कारण होता है कि जब हम कोई भी इस तरह का इंटेंस वर्कआउट करते हैं, उससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो इफेक्ट होता है, और हमारी थाइस तक, हमारे पैरों तक ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है और ये दर्द हमें महसूस होता है। ये दर्द कई बार तो इतना ज्यादा होता है कि चलने फिरने में, उठने बैठने में, और कई बार इतना ज्यादा सीवियर होता है कि ना तो अगले दिन हम एक्सरसाइज के लिए सोच भी पाते हैं और हमें टॉयलेट यूज करने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो दर्द होता है ये सभी लोगों के साथ में होता है, किसी के साथ में थोड़ा ज्यादा होता है, किसी के साथ में थोड़ा कम होता है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है कि आप जब पहले दिन आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट ना करें, बहुत ज्यादा ऐसे जंपिंग वाले एक्सरसाइज ना करें। करनी है तो आप थोड़े थोड़े रेपिटेशन के साथ में स्टार्ट करें। सपोज कि अगर आप पहले दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप उसमें कोई भी जंपिंग वाले वर्कआउट्स कर रहे हैं, उसके जो रेपिटेशन हैं वो आप कम रखिए। जैसे कि अगर आप जंपिंग जैक्स कर रहे हैं तो पहले दिन आपसे 7-8 या मैक्सिमम 10 जैक्स लगाइए, या अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आप कम डिस्टेंस पे रन कीजिए और जो अपने रनिंग की स्पीड है उसको कम रखिए, जॉगिंग से स्टार्ट कीजिए, वॉकिंग से स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होता है, हमारी मसल्स उस स्ट्रेस को लेने के लिए रेडी हो जाती हैं, और जब आप धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो ये दर्द इतना सीवियर आपको महसूस नहीं होता है, क्योंकि धीरे धीरे मसल्स उस चीज़ के लिए तैयार हो जाती हैं और वो धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देती हैं। वहीं अगर आप पहले ही दिन बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करेंगे, लॉन्ग आवर्स तक करेंगे, बहुत ज़्यादा जंप्स करेंगे, बहुत लंबी दूर तक रन करेंगे, तो डेफिनेटली दूसरे दिन, तीसरे दिन आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज करने के लायक नहीं बचेंगे। तो इसलिए आपको इंटेंसिटी का ध्यान रखना है, रेपिटेशंस का ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी नया वर्कआउट शुरू करें, ऐसा वर्कआउट जिसमें आपको लग रहा है कि आपके थाइस का, आपके पैरों का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है और कल को ये दर्द आपको हो सकता है, तो आपको वर्कआउट करने के बाद कम से कम 10 मिनट वॉकिंग करना है, और वॉकिंग भी इस तरीके से करना है कि आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, मतलब लंबी गहरी सांसें लेते हुए आपको ब्रीद करना है। जब हम गहरी सांसें लेते हैं उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो इंक्रीज होता है, और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो दर्द होता है इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारी थाइस तक ऑक्सीजन का सही मात्रा में, पूरी मात्रा में ना पहुंच पाना। तो आपको कोई भी वर्कआउट खत्म करने के बाद कम से कम 10 मिनट वॉकिंग करनी है, जिसमें आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। अब ये तो बात हो गई कि कैसे आप इस दर्द से बच सकते हैं। अब अगर आपको ये दर्द ऑलरेडी हो चुका है, आप जो मैंने ये गलतियां बताई हैं ये गलतियां आप ऑलरेडी कर चुके हैं और आपको अब दर्द हो रहा है, तब आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको जो जहाँ पे आपको पेन है वहां पे आप सिकाई कर सकते हैं, आप किसी हॉट पैड से सिकाई कर सकते हैं, हॉट वाटर बॉटल से सिकाई कर सकते हैं, उससे आपको थोड़ा आराम मिलेगा। अगर दर्द बहुत ही ज्यादा है तो आप कोई पेन किलर ले सकते हैं, ऑफकोर्स आपको डॉक्टर से पूछ के ही पेन किलर लेना है। पेन किलर आप 2 दिन से ज्यादा ना लें, और सिर्फ उसी कंडीशन में लें जब दर्द बहुत ही ज्यादा हो। इसके अलावा आपको कुछ स्ट्रेचिंग करनी है, या तो आप मैट पर लेट के इनको कर सकते हैं, या फिर आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। अपने पैरों को पूरा आगे की तरफ आपको स्ट्रेच करना है, आपको गहरी सांस भरते हुए पैर के पंजे को आगे पूरा स्ट्रेच करना है, और फिर सांस को छोड़ते हुए पूरा पैर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। इस एक्सरसाइज के आपको कम से कम 10 रेपिटेशंस करने हैं। सेकेंड एक्सरसाइज में गहरी सांस भरते हुए अपने पैर के पंजे को चारों तरफ इस तरीके से पूरा रोटेट करना है। पहले क्लॉकवाइज करेंगे और उसके बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इन एक्सरसाइज को करते हुए ब्रीदिंग का ध्यान रखना है, जैसे मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपको लंबी गहरी सांसें भरते हुए ये स्ट्रेचिंग करनी है। कम से कम 10 मिनट तक इस तरीके से अपने पैरों की आपको स्ट्रेचिंग करनी है, साथ में सिकाई करनी है, और इसके अलावा भी जो और पैरों की स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज होती हैं वो आप कर सकते हैं, उससे आपके दर्द को आपको आराम मिलेगा। ऑफ कोर्स ये एक दिन में ठीक नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन अपने वर्कआउट्स को आप बिल्कुल भी बंद मत कीजिए, धीरे धीरे लाइट एक्सरसाइजेज आप जरूर करते रहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपका और कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।